अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये गिटार ट्यूटोरियल है अली जफर के सॉन्ग चल दिल मेरे का। इसमें हम इसके गिटार कॉर्ड्स देखेंगे और गिटार टैब्स देखेंगे, ठीक है? तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले देख लेते हैं, सॉन्ग है ई मेजर के स्केल में। तो पहला कॉर्ड है ई मेजर, सेकेंड कॉर्ड है बी मेजर जो आप यहाँ भी प्ले कर सकते हैं, फिर ए मेजर जो यहाँ भी प्ले कर सकते हैं। ये तीन ही कॉर्ड्स है और पूरा सॉन्ग इन्हीं तीन कॉर्ड्स पे, ठीक है? ई बी ए और ई दोबारा, ठीक है? तो यही रिपीट होता रहेगा, ई बी ए ई, ई बी ए ई, ठीक है? इसकी स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ यूं है। चल दिल मेरे स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे प्ले होगा? हमने कॉर्ड पकड़ना है, पहले हमें किक के साथ स्ट्रम करना है, ठीक है? फिर हमें एक अप स्ट्रोक लेना है, फिर चक मारना है हमें अपने पाम से, हैंड से, फिर उसके बाद दोबारा से अप स्ट्रोक लेना है। तो बस यही रिपीट होगा। स्ट्रम अप स्ट्रोक चक अप स्ट्रोक स्ट्रम अप स्ट्रोक चक अप स्ट्रोक। जब ये थोड़ा सा हाथ सही चलने लग जाए तो इसे फास्ट करेंगे। अगर आप नॉर्मल प्ले करना चाहते हैं तो डाउन अप चक अप, एक डाउन फिर अप फिर चक फिर अप, डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप, ठीक है? तो ये इसके कॉर्ड्स हैं और पूरे गाने में यही रिपीट होते रहेंगे। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, दौलत गुजारी वो भी सब सेम ई बी ए ई, यही चलता रहेगा। तो इसके टैब्स देख लेते हैं, ई मेजर का स्केल देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो प्ले होगा वो क्या है, तो ये कैसे प्ले होगा, 9th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, 9th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, फिर 10th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, और उसे प्ले करके स्लाइड करना है हमें 12th स्ट्रिंग तक पे। तो ये दो बार प्ले करेंगे और थर्ड टाइम में उसे स्लाइड करेंगे, ठीक है? फिर अब ये 9th फ्रेट पे लास्ट स्ट्रिंग, 12th पे सेकंड, 10th पे सेकंड, फिर 9th पे सेकंड, और फिर 9th पे एक बार प्ले करने के बाद 9th फ्रेट से थर्ड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग पे हम हैमर करेंगे, और फिर डायरेक्ट हम 11th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पकड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, तो अब तक क्या हुआ, अब क्या प्ले होगा, तो ये कैसे प्ले होगा, 9th फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग, 8th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, 9th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, दो बार प्ले होगा और उसके बाद फिर एमर, ठीक है? ठीक है, अब हमें करना है 9th फ्रेट पे, 9th फ्रेट से 3rd फ्रेट पे हैमर ऑन सेकंड स्ट्रिंग। तो ये क्या हुआ, अब जब हमने हैमर किया एक बार प्ले करके, एक बार 9th पे सेकंड स्ट्रिंग प्ले करना है और फिर
11 पे थर्ड और 9 पे सेकंड। तो ये क्या हुआ, ठीक है, तो अब तक क्या हुआ, ठीक है, तो ये कैसे प्ले होगा, 12th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग दो बार, फिर उसके बाद 9th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग और फिर 12th फ्रेट पे लास्ट स्ट्रिंग, ठीक है। ये तीन बार प्ले होगा और उसके बाद 9th पे फर्स्ट स्ट्रिंग एक बार और 12th पे फर्स्ट स्ट्रिंग एक बार, फिर हम 12th फ्रेट से 14th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग से स्लाइड करेंगे, ठीक है। हमने स्लाइड किया, फिर उसके बाद 11th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले की और फिर हमने 9 से 10 पे हैमर किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, और दो बार प्ले करना है, फिर अब ये पार्ट कैसे प्ले होगा, 10th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग दो बार प्ले करेंगे, फिर 12th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग दो बार, फिर 9th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग एक बार और फिर 9 से 10 पे एक बार हैमर करेंगे और एक बार प्ले करेंगे, फिर 9 10 9 और फिर 12 पे सेकंड स्ट्रिंग और फिर ये क्या हुआ, अब यू प्ले होगा, तो यहां तक के सेम प्ले हुआ था, एक हमें 10 से हमें 10 पे सेकंड स्ट्रिंग प्ले करनी है और 9 पे थर्ड स्ट्रिंग, तो ये क्या हो गया, फिर दोबारा चल दिल मेरे।